नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल सन्यासी जीके में। दोस्तों, अक्सर यह देखा गया है कि बच्चे के पैदा होते ही घर के बड़े उन्हें काला टीका, काला धागा या नजर उतारना जैसे कुछ कार्य अवश्य करते हैं। पर क्या आपने कभी उनसे जानने की कोशिश की है कि आखिर इनके पीछे का रहस्य क्या है? मेरे साथियों, हम वक्त के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, पुराने रीति रिवाज, धर्म कार्य और मान्यताएं भूलते जा रहे हैं, जिसका प्रभाव हमारी संस्कृति पर साफ देखने को मिलता है। आज हम जिस समाज की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें छल कपट, लालच, क्रोध और ईर्ष्या जैसी भावनाएं लोगों में अधिक प्रचलित है। ऐसे में हमारे बुजुर्गों द्वारा सुझाए गए कुछ अचूक नुस्खे ही हमारे काम आते हैं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताने जा रहे हैं काले धागे से जुड़े कुछ ऐसे उपाय जिनसे आपके जीवन की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। अगर आपके जीवन में भी आपको यह महसूस हो रहा है कि कोई बुरी नजर आपके रास्ते में रुकावट पैदा कर रही है, या फिर आपके परिवार को, आपके घर की सुख शांति को किसी की नजर लग गई है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बताए गए इन उपायों को जरूर अपनाएं। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं काले धागे से जुड़े उपाय। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप देख सकें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने वाला होता है, इसलिए बुरी नजर से बचने के लिए काला टीका, काले कपड़े और काले रंग की चीजों का उपयोग किया जाता है। काला धागा उनमें से सबसे ज्यादा असरकारक और लाभदायी होता है। अगर आपके घर में बिना कारण ही झगड़े और आपसी मनमुटाव होता है, तो ये रोकने के लिए आपको करना ये है कि शनिवार के दिन शनि महाराज के मंदिर में जाकर 1 मीटर काला धागा लेकर उस पर 108 घाटे बांध दीजिए और हर घाट के साथ ओम शनिश्चराय नम का जाप करते जाइए। और अगर आसपास शनि महाराज का मंदिर ना हो तो घर में भी ये उपाय कर सकते हैं। अब इस धागे को अपने मुख्य द्वार पर बांध दीजिए, इसे घर में बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। दूसरा उपाय है, अगर आपके घर के सदस्य की तबीयत अक्सर खराब रहती है और उन्हें बार बार किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए काले धागे को एक दिन मंदिर ले जाकर थोड़ा सा सिंदूर लगाकर रख लें और दूसरे दिन सुबह स्वच्छ होकर इस धागे को सदस्य के पैर में बांध दीजिए। इससे उनके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगेंगी और किसी की बुरी नजर छू भी नहीं पाएगी। तीसरा उपाय, गर्भवती महिलाओं को अक्सर जल्दी नजर लग जाती है। कई बार उनके आने वाले बच्चे पर भी इसका बुरा प्रभाव या बुरी नजर पड़ सकती है। तो काले धागे को गर्भवती महिला की जितना नाप लीजिए, अब उस धागे को 3 बार उनके सिर से घुमा लीजिए। अब यह धागा पीपल के पैर या फिर नदी में विसर्जित कर दीजिए। मेरे साथियों, ये उपाय बच्चे के होने तक करिए। इससे गर्भवती महिला के आसपास कोई काली नजर या काला टोटका भटक भी नहीं पाएगा। काले धागे में रुद्राक्ष डालकर पहना जाए तो अधिक लाभदायक होता है। पुराने काले धागे को हमेशा पीपल के पैर के नीचे मिट्टी में दबा दें या नदी में विसर्जित कर दें। अन्यथा इस काले धागे का कई लोग काला जादू करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैर की बिछिया में पहनने वाली उंगली में अगर काला धागा पहना जाए तो काले जादू का असर कम होता है। काला धागा मंदिर के पुजारी से या स्वयं ही खरीद कर बांधे। किसी भी अन्य व्यक्ति का दिया हुआ काला धागा पहनना नहीं चाहिए। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।